हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 2 वर्क ऑफ द सन इस लेसन को पढ़ने वाले हैं और उसे समझेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था शिवाजी महाराज के बर्थ के 300 से 400 वर्ष पूर्व संतों का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इन संतों के कार्यों से शिवाजी महाराज इन्हें अपना स्वराज्य स्थापन करने में सहायता मिली थी। इस लेसन में हम यही देखने वाले हैं कि इन संतों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिन्हें हम आज भी इतना सम्मान देते हैं। संत यानी साधु संन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सही जीवन जीने का अर्थ सिखाता है और भगवान के भक्ति में सदैव अपना जीवन व्यतीत करता है। शिवाजी राजे इनके पहले गुरु, इनकी माता जिजाबाई, इन्होंने शिवाजी राजे इन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। संत तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास, ये दोनों संत, इनका जन्म 1608 में हुआ था। धर्म के अनुसार शासन करने के लिए वह साधु संतों की सलाह को प्राथमिकता देते थे। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्होंने ही शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व को तराशा। शिवाजी महाराज स्वयं संत तुकाराम महाराज इनके कीर्तन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। पिछले लेसन में ही हमने पढ़ा है शिवाजी महाराज सभी रिलीजन के संतों का आदर करते थे। लेसन हम स्टार्ट करते हैं द ट्रेडिशन ऑफ संत्स दैट बिगेंस इन महाराष्ट्र विद श्री चक्रधर स्वामी। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेळा वॉज कंटिन्यू बाय सन्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। इन दिस ग्रुप ऑफ सन्स आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कानोपात्रा एंड संत बहिणाबाई शिरूरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। संतों की जो प्रथा है, ट्रेडिशन यानी प्रथा, शुरू होती है महाराष्ट्र से और ये जो संत है वो सोसाइटी में अलग अलग स्तरों से आए हैं। स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी के अलग अलग स्तर, इसका मतलब है लेवल। स्ट्राटा इन्स इन द सेंस लेवल और सोसाइटी इसका अर्थ है समाज। समाज के विभिन्न स्तरों से ये सभी संत आए हैं। तो इनकी शुरुआत संत चक्रधर स्वामी इनसे हुई है, उसके बाद में संत नामदेव महाराज, उसके बाद में संत ज्ञानेश्वर महाराज, उसके बाद में संत चोखामेळा, उसके बाद में और भी कई संत हैं जिनका नाम है संत गोरोबा, संत सावतामाळी, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा। ये सब मेल हैं और इनमें कुछ संत फीमेल भी हैं जिनका नाम है संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिणाबाई शिरूरकर। ये सभी संत इंक्लूडेड है। हम आगे पढ़ेंगे दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज लाइक कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड।
नो वन इज इन्फेरियर, नो वन इज सुपेरियर। ये जो संत है लोगों को वेरियस वर्चूस सिखाते थे। वर्चूस यानी मॉरलिटी, अच्छे और बुरे की समझ। लोगों के मन में सद्गुण उत्पन्न करने का कार्य वो करते थे। अब इसमें कौन से गुण लिखे हैं? कंपैशन यानी करुणा, नॉन वायलेंस इसका अर्थ है अहिंसा, अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। उसके बाद में चैरिटी यानी दान धर्म, सर्विस यानी सेवा भाव, इक्वालिटी यानी समानता का भाव, एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। इन सद्गुणों को वो लोगों को सिखाते थे, उनमें डालने की कोशिश करते थे। उसके बाद में नो वन इज़ इन्फेरियर, कोई भी छोटा नहीं है। नो वन इज़ सुपेरियर, कोई भी बड़ा नहीं है। ये वो सीख देते थे लोगों में। ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय संत इन द माइंड ऑफ पीपल। ऐसा भाव वो लोगों के मन में जगाते थे। सेंटिमेंट यानी भावना, ओपिनियन रखो, ऐसी भावना रखो, ऐसे वो लोगों को सिखाते थे। सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र। वैसे ही समर्थ रामदास, इन्होंने भी अपनी सेवा महाराष्ट्र में दी, सेवा का दान लोगों को दिया। आगे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो संत है जिनसे स्टार्ट हुआ है संत परंपरा, वो है श्री चक्रधर स्वामी। परंपरा यानी ट्रेडिशन, प्रथा। श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। ये मुख्य स्तर पे क्या थे? ये प्रिंस थे, मतलब राजा के पुत्र थे, प्रिंस थे, गुजरात से थे ये। ही बिकेम एन एसेटिक एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र। इन्होंने संन्यास लिया, एसेटिक यानी सन्यासी बने। राजा राज दरबार या किंगडम का त्याग किया, उन्होंने अपने साम्राज्य का त्याग किया और वो सन्यासी बने और वो महाराष्ट्र में आ गए। ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी, प्रीचिंग यानी सिखाना। वो महाराष्ट्र में आकर उन्होंने हर जगह पर घूम के इक्वालिटी की सीख दी, इक्वालिटी यानी समानता की सीख लोगों को दी। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी भी तरह का भेदभाव मानते नहीं थे। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। जेंडर यानी लिंग, स्त्री और पुरुष में वो भेदभाव नहीं मानते थे। और कास्ट, कास्ट यानी जाति, किसी भी जाति के प्रति वो भेदभाव की भावना नहीं रखते थे, उसे नहीं मानते थे। सो सेवरल मेन एंड वुमन बिकेम हिज फॉलोवर, इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही उनके फॉलोवर्स रहे हैं। द सेक्ट ही एस्टैब्लिश इज नोन एज महानुभव सेक्ट। उन्होंने जो पंथ निर्माण किया है उस पंथ का नाम है महानुभव पंथ। सेक्ट यानी पंथ। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र। उनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो हमें लीला चरित्र इस बुक में हमें देखने को मिलते हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी के बारे में हमने क्या सीखा? कि वो गुजरात के प्रिंस थे, उन्होंने संन्यास लिया, एसेटिक बने, महाराष्ट्र में आए, उन्होंने इक्वालिटी की सीख दी लोगों को। वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, स्त्री पुरुष और कास्ट में। उन्होंने महानुभव पंथ का निर्माण किया,
पंथ यानी सेक्ट, उनके लीला चरित्र इस बुक में हमें उनके जीवन की घटना पढ़ने को मिलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं संत नामदेव महाराज के बारे में। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। विट्ठल भगवान के वो भक्त हैं, डिवोटी यानी भक्त। ही लिव्ड इन द विलेज नारसी, वो नारसी गांव से हैं। ही कंपोज्ड न्यूमेरस सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, उन्होंने बहुत से गाने बनाए हैं, कंपोज यानी बनाना। वो सभी गाने भगवान की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रेस यानी स्तुति करना, प्रशंसा करना। आगे हम पढ़ते हैं ही परफॉर्म कीर्तन एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। कीर्तन यानी सॉन्ग रहता है जिसमें हम भगवान को प्रे करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान की स्टोरीज़ को सॉन्ग के फॉर्म में बनाया जाता है और उसको गाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कीर्तन। तो उन्होंने कीर्तन को परफॉर्म किया है जगह जगह पे जाके, और लोगों में, लोगों को अवेकन किया है, जागृत किया है। तो लोगों को अवेकन क्यों किया, ये हमें सवाल आता है। तो वो जो वक्त था, उस वक्त में हम पर मुग़ल शासन करते थे, राज्य करते थे, और अंग्रेज़ भी उस समय आए थे। ठीक है, तो वो समय जो था ऐसा था कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को अपना, अपने धर्म से परिवर्तित करते थे इसीलिए। और उस टाइम पे जो किंगडम था, मुग़ल सुल्तान लोग राजा थे, तो उनकी दहशत लोगों के मन में थी, लोग घबराए हुए थे। तो इसीलिए संतों ने उनका जो डर था, उनके डर से उनको बाहर निकाला और अपने धर्म के प्रति उन्हें जागृत किया, अवेकन किया। आगे पढ़ेंगे, ही मूव ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। महाराष्ट्र में हर जगह पर वो घूमे और उन्होंने हर जगह पर भागवत धर्म का प्रचार किया। भागवत धर्म, इसका अर्थ है कि हमारा भगवान के प्रति क्या कर्म है, हमारे धर्म के प्रति हमारा क्या कर्म है, हमारा भगवान कौन है, हमारे भगवान ने हमें क्या सीख दी है, हमारे भगवान के प्रति हमारा क्या रिश्ता होना चाहिए, ये सभी भागवत धर्म सिखाता है। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि उस समय जो लोग थे वो डरे हुए थे, अपने घर में भी वो सेफ महसूस नहीं करते थे और उनको अपने भगवान को पूजने का फ्रीडम भी नहीं था। इन सभी के लिए और उन लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए इन संतों का जन्म उस समय महाराष्ट्र में हुआ था। आगे पढ़ते हैं, ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। हमें हमारे धर्म को बचाना चाहिए, ये विचार उन्होंने लोगों के मन में पैदा किया, उन्हें विवश किया ये सोचने के लिए कि हमें हमारा धर्म बचाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद में नामदेव जी महाराज पूरे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया है और उन्होंने ह्यूमैनिटी यानी मानवता धर्म का प्रचार किया। आगे पढ़ेंगे, ही ट्रैवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर।
उसके बाद में वो पंजाब में गए, वहाँ पर भी उन्होंने इक्वालिटी का मैसेज स्प्रेड किया। इक्वालिटी यानी समानता, हम सब समान हैं। उसके आगे पढ़ेंगे ही कंपोज सॉन्ग इन हिंदी, उन्होंने हिंदी में भी सॉन्ग लिखे। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द हॉली बुक ऑफ सिख। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके जो कुछ पंक्तियाँ हैं, वर्सेस यानी लाइन्स है, वो उन्होंने लिखे हुए अभी भी प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का हॉली बुक है, धर्म ग्रंथ है। हिज सॉन्ग्स आर स्टिल संग ऑल ओवर महाराष्ट्र विथ ग्रेट लव एंड डिवोशन, उनके जो भक्ति गीत है वो आज भी प्यार से और भक्ति से गाए जाते हैं महाराष्ट्र में। आगे हम पढ़ेंगे संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके बारे में क्या लिखा है। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू आपेगाँव, तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, इनकी जो फैमिली है वो आपेगाँव से बिलोंग करती है। ये जो संत ज्ञानेश्वर है, इनका जो विलेज है वो है आपेगाँव। निवृत्तिनाथ एंड सोपान देव वेयर हिज ब्रदर्स, मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, तो उनके जो भाई है वो है निवृत्तिनाथ और सोपान देव, और उनकी एक बहन है जिनका नाम है मुक्ताबाई। बायोकेटेड मैन ऑफ द टाइम यूज टू लुक डाउन अपॉन दिस चिल्ड्रन बिकॉज दे वेयर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी। बायोगेटेड इसका अर्थ है कट्टर धार्मिक लोग जो धर्म को मानते हैं। तो बायोगेटेड मेन जो है, ऐसे जो लोग हैं कट्टर, वो इन जो चिल्ड्रन को, मतलब ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव और उनकी बहन मुक्ताबाई, इनको रिस्पेक्ट नहीं दे देते, क्योंकि वो सन्यासी के बच्चे थे। ठीक है, सन्यासी वो होता है जिसने गृहस्थ धर्म को त्याग किया है, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। तो लोग इन सभी बच्चों को बुरी नज़र से देखते थे क्योंकि वो सन्यासी के बच्चे थे। आगे पढ़ेंगे इट हैपन लाइक दिस, ये ऐसा हुआ है कि देयर फादर टुक संन्यास एंड रिटायर्ड फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। बच्चे होने से पूर्व उनके जो फादर थे उन्होंने संन्यास लिया था और उन्होंने अपना जो मैरिड लाइफ है उससे रिटायरमेंट ली थी, घर उन्होंने छोड़ दिया था। एज अ संन्यासी ही लेफ्ट होम बट लेटर ऑन ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज वाइफ। उसके बाद में उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि आपको वापस जाके आपकी गृहस्थी संभालनी है। तब वो रिटर्न आए थे घर में और उन्होंने अपनी गृहस्थी जीना चालू किया था उनके वाइफ के साथ में। उसके बाद में देयर फोर चिल्ड्रंस वेयर बॉर्न आफ्टरवर्ड्स, उन्हें चार बच्चे हुए। द नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर्स डिड नॉट थिंक इट राइट दैट अ सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन। तो उस टाइम पे जो कट्टर धार्मिक लोग थे, नैरो माइंडेड लोग थे, रिलीजियस धार्मिक लोग थे, लीडर्स थे, वो इस बात को सही नहीं समझते थे कि सन्यासी को फिर से आकर गृहस्थी अपनी चलानी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे पीपल परसिक्यूटेड दिस चिल्ड्रन एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी। परसिक्यूटेड यानी छल करना, बैनिश यानी बाहर निकालना, हद पार करना, कम्युनिटी यानी समाज। तो उस समय पीपल लोगों ने उनको क्या किया है, छल किया है, उनके साथ में चार बच्चों के साथ में छल किया है, उन्हें समाज से हद पार किया है, समाज से बाहर निकाला है, बैनिश यानी बाहर निकाला।
आगे हम पढ़ेंगे, वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आलम, बट नो वन वुड गिव हिम एनी आलम, ही हैड टू लिसन टू अब्यूसिव लैंग्वेज इंस्टेड। उन्हें हद पार किया था, कम्युनिटी से बाहर निकाला था, तो वो कैसे रहते थे, वो घर घर पर घर घर से भिक्षा मांगते थे और रहते थे। तो एक बार ऐसे ही वो भिक्षा मांगने गए तो किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, गाली गलौज किया, एब्यूसिव यानी गाली गलौज करना। आगे हम पढ़ेंगे, यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन बाय दिस इंसिडेंट, ही एंटर्ड हिज हट एंड लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट। उनके साथ जो बर्ताव हुआ है उस पर उन्हें दुख हुआ, वो अपने हट में आए, झोपड़ी में रहते थे, वो अपने हट में आए, अंदर से उन्होंने वो हट का जो डोर था वो लॉक किया अंदर से, और अंदर वो बैठकर शोक कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, बहुत सैड हो रहे थे। आगे पढ़ेंगे, मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर, शी सेट ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन अवर ओन सोरो, हु विल देन लुक टू वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। ये देखकर उनकी जो बहन है मुक्ताबाई वो वहाँ पर आई और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर आप दरवाज़ा खोलो, अगर हम ही रोते रहेंगे तो इस दुनिया को कौन देखेगा, अगर हम हमारे दुख को लेकर ही बैठे रहेंगे तो इस संसार का कल्याण कौन करेगा। देखो, संत ज्ञानेश्वर इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ है वैसे ही हुआ है, इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इनका जन्म भी अष्टमी में हुआ है, जन्म का समय मध्य रात्रि का है और उसी नक्षत्र में हुआ जिस नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये जो सभी बालक है ये धरती पर लोगों की भलाई करने के लिए आए थे, इनके माता पिता इन्होंने देह का त्याग किया था, उसके बाद में भी यह जो बच्चे हैं वो अपना कठोर जीवन जी रहे थे, फिर भी वो लोगों के भलाई के बारे में सोच रहे थे। उनके अंदर एक दैवीय क्षमता थी, इसीलिए यहाँ पर वो जो बहन है ज्ञानेश्वर महाराज की मुक्ताबाई वो बोल रही है कि अगर हम हमारे दुख को लेकर रोते रहेंगे तो इस संसार को कौन संभालेगा। आगे पढ़ेंगे, दिस वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर, ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सॉरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क। उनकी जो सिस्टर है मुक्ताबाई, इनके वर्ड्स से उन्हें ज्ञानेश्वर महाराज को एक नई होप दी, आशा दी, उन्होंने अपना दुख भूलकर फिर से लोगों के लिए कार्य करने के लिए वो तैयार हो गए। आगे पढ़ेंगे, एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड पीपल वेयर बींग अप्रेस इन द नेम ऑफ रिलीजन। उस टाइम पे हर जगह पर जो गरीब लोग थे, जो बैकवर्ड थे, निचली जाति के जो लोग थे, वो दुखी थे, उन पर अत्याचार हो रहा था धर्म के नाम पर। आगे पढ़ेंगे, ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। ज्ञानेश्वर उन लोगों के पास गए और उन्होंने लोगों को भगवान पर आस्था रखने के लिए कहा, भगवान पर आस्था रखने का उनको ज्ञान दिया। ठीक है,
आगे पढ़ेंगे, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी को उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट दी, हेल्प दोज इन ट्रबल एंड एली देयर मिजरी, जो संकट में थे, ट्रबल यानी संकट, कष्ट में थे, उनकी मदद की और उन्हें दुखों से दूर किया, एले यानी दूर करना, मिजरी यानी दुख। आगे पढ़ेंगे, दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। गिस्ट का मतलब होता है सार, यानी सारांश, समरी। एडवाइस का मतलब है संदेश, तो उनके संदेश का सारांश ये है कि सभी जो पर्सन है, सभी जो पीपल है, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वर्स वर्ड आर हर्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 ईयर्स। आज भी गली नुक्कड़ में, महाराष्ट्र में, ज्ञानेश्वर जी, इनकी जो बातें हैं वो सुनाई जाती है, सुनी जाती है, फ्रॉम लास्ट 700 ईयर्स, 700 वर्षों से ये बातें उनकी आज भी हर जगह पर महाराष्ट्र में हमें सुनाई देती है। आगे हम पढ़ेंगे, इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। उस समय जो भी धार्मिक जो बुक्स थी, वो सभी बुक्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडेज यूज वॉज मराठी। और जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो ऑर्डिनरी जनता है, सामान्य जनता, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो जो लैंग्वेज समझते थे या फिर उनको जो लैंग्वेज आती थी लिखने की या पढ़ने की, वो थी मराठी। तो ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। तो सभी जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनको ये जो रिलीजियस टीचिंग है, जो संस्कृत के बुक्स है, उनका जो नॉलेज था, वो उन्होंने मराठी में अपनी ज्ञानेश्वरी बुक में लिखा है। और इसमें वो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ रिलीजियस धार्मिक अपना नॉलेज उनके इस बुक में है, इसीलिए इसे आउटस्टैंडिंग बुक कहा है। आगे हम पढ़ेंगे, ही डज ओपन वाइड फॉर हिज पीपल द डोर ऑफ नॉलेज वेयर ही प्रीच द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल मैन। इस धरती पर आए हुए सभी इंसानों के पास बुद्धि और क्षमता होती है। भगवान ने सभी को समान रूप से ये गुण दिए हैं। फिर भी जो बालक, ब्राह्मण और राजा इनके घर में जन्म लेता है, रईस घर में जन्म लेता है, श्रेष्ठ जाति में जन्म लेता है, उसे पूरा नॉलेज, धार्मिक नॉलेज, अच्छा नॉलेज उसको मिलता था उस समय। और जो कम जाति में या सामान्य जाति में जो बालक पैदा होता था, उसे उस ज्ञान से वंचित रहना पड़ता था, उसे वो नॉलेज नहीं मिलता था। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ये जो नॉलेज है वो मराठी में ज्ञानेश्वरी उनकी जो बुक है उसमें लिखा है, ताकि सारे जो सामान्य जनता है उन्हें वो मिल सके, जो भी धार्मिक नॉलेज है उन्हें मिल सके, और वो अपना नॉलेज बढ़ा सके, अपनी बात वो समाज में रख सके और उस समाज में रहने के लायक काबिल हो सके। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी के माध्यम से सामान्य जनता के लिए ज्ञान का दरवाज़ा ओपन, खुला किया है, ताकि वो लोगों को समाज में एक साथ भाईचारे से कैसे रहा जाता है, ये वो लोगों को सिखा सके। यहाँ पर कन्फाइन का मीनिंग है सीमित करना। यहाँ पर उन्होंने जो धार्मिक
बुक्स थी वो संस्कृत में थी, संस्कृत के लैंग्वेज में सीमित थी। कन्फाइंड का मतलब है सीमित, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, प्रीच यानी उपदेश करना सिखाना, आइडियल यानी आदर्श, ब्रदरहुड यानी बंधुत्व। आगे पढ़ेंगे, एट अ वेरी अर्ली एज एट आलंदी नियर पुणे ज्ञानेश्वर टुक समाधि दैट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर कम आउट। समाधि का मीनिंग है कि अपने आप को लोगों से अलग रखकर और डेली जो हमारी एक्टिविटी है उसको भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आँख बंद करके खाना पीना भी नहीं खाना है, किसी से बात नहीं करना है, उस जगह से उठना भी नहीं है, सिर्फ आँख बंद करके भगवान का नाम लेना है जब तक हमारा प्राण नहीं जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं समाधि। तो ज्ञानेश्वर महाराज इन्होंने अपने एज के 21 ईयर्स में ही आलंदी में, जो कि पुणे में है, इंद्रायणी नदी के किनारे पर है, वहाँ समाधि ली है। खुद को उन्होंने ट्रांस में रखा है, ट्रांस यानी वही पोजीशन समाधि की, और वहाँ से वो कभी बाहर नहीं आए हैं, समाधि से वो बाहर नहीं आए, वो वैकुंठ वहीं से चले गए। वैकुंठ जहाँ पर विष्णु का वास होता है, तो ऐसे कहते हैं कि विट्ठल विष्णु ही है, विष्णु का ही अवतार है, तो ज्ञानेश्वर विट्ठल भक्त थे, पांडुरंग के भक्त थे, तो वो विष्णु धाम पर वैकुंठ में उनकी आत्मा चली गई। आगे पढ़ेंगे, इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक लैक ऑफ पिलग्रिम्स गो टू आलंदी पंढरी विथ डिवोशन। एकादशी जो दिन रहता है उस दिन में, हर महीने में दो एकादशी आती है, तो एकादशी में व्रत रखते हैं, और आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी में सभी जो तीर्थयात्री हैं वो आलंदी जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली है और पंढरपुर जहाँ पर विट्ठल का स्थान है, विट्ठल भगवान का मंदिर है, वहाँ पर लोग भक्ति भाव से उनको मिलने के लिए जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं संत एकनाथ जी महाराज, इनके बारे में पढ़ेंगे। संत एकनाथ कैरिड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। संत नामदेव जी महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज, इन दोनों का जो कार्य है उन्होंने एकनाथ जी महाराज ने आगे कंटिन्यू किया है, कैरी किया है उसे। आगे पढ़ेंगे, ही लिव्ड इन पैठन, वो पैठन से हैं। ही प्रीच दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन। वो क्या सिखाते लोगों को, भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मार्ग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति अगर हमने भक्ति रखी, भगवान की भक्ति हमने की, तो हमें भगवान प्राप्त हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स अभंग ओविस एंड भारूड्स। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे हैं, अभंग लिखे हैं, और ओविस और भारूड ये उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये सभी फोक सॉन्ग्स हैं। हीज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शंस ऑफ हाई एंड लो। उन्होंने कौन सा संदेश दिया है लोगों को, वो कहते हैं कि किसी में भी भेदभाव ना करें, डिस्टिंक्शन यानी भेदभाव, हाई एंड लो, अमीर और गरीब, इनमें भेदभाव डिस्टिंक्शन हाई एंड लो का नहीं होना चाहिए। सर्व जो जनता है, सर्व जो पीपल है, वो एक समान है, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी का ही उन्होंने संदेश दिया है, एडवाइस दी है लोगों को। आगे पढ़ते हैं, ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर एंड द डाउन थ्रोडन एंड टॉट देम डिवोशन टू गॉड।
देखो एकनाथ जी महाराज, इनका जो जन्म हुआ है वो खानदानी परिवार में हुआ था, ब्राह्मण के कुल में हुआ था। फिर भी यहाँ पर वो उन्होंने जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, डाउन थ्रोडन लोग हैं, उनसे उन्होंने दोस्ती की थी। फ्रेंड्स, वो ही मेड फ्रेंड्स विद पुअर, उन्होंने उन दलित लोगों से दोस्ती की थी और उनको भक्ति मार्ग सिखाया था। देखो उस समय जो लोहे का काम करता है था उसको लोहार कहा जाता था, सोने का काम करता है उसको सोनार, चमड़े का काम करता है उसको चमहार, जो सिलाता था उसको कहते थे दर्जी। तो इसी प्रकार उनके कार्य से उनकी जाति का निर्धारण हुआ और जाति का निर्धारण होने के बाद में उनके काम के लेवल के अनुसार उनको समाज में मान्यता मिलती थी। तो जिसका काम अच्छा है उसको ज़्यादा मान्यता मिलती थी, जिसका काम अच्छा नहीं है जो उसे डाउन थ्रोडन दलित कहा जाता था। डाउन थ्रोडन यानी दलित। उस समय समाज में इन लोगों की जो स्थिति थी वो भयावह थी। उन्हें उनके साथ में बहुत अत्याचार होता था और अत्याचार होने के बाद भी उनको वो अत्याचार चुपचाप सहन करना पड़ता था। वो कुछ बोल नहीं सकते थे। जो पावरफुल लोग हैं उनसे वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते थे और इस वजह से वो जो लोग थे, जो पुअर पीपल थे, जो दलित समाज था, वो दुखी था। तो दुख से बाहर निकलने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए एकनाथ जी महाराज भी उनको भक्ति मार्ग का रास्ता लोगों को वो दे रहे हैं, ताकि उनके अंदर ज्ञान आ जाए और वो उनके प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं, हीज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम्ब एनिमल। डम्ब यानी गूंगा, जो गूंगे प्राणी हैं उनके प्रति भी उनको प्रेम था। ही एक्सहॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच। एक्सहॉर्टेड का मतलब है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। वो लोगों को प्रेरित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि ऑल जो लिविंग बींग्स है इस पृथ्वी पर, जो भी सजीव है उनसे प्यार करो। टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच, उन्होंने जो सीखा है उसको अपने हिस्सा बनाओ अपने जीवन का, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना यानी आचरण में लाना, जो भी सीखा है उन्होंने उसको आचरण करो, ठीक है, तभी उनके दुख दूर हो जाएंगे और जो भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें भी सहायता मिलेगी। आगे पढ़ेंगे, वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर अ बाथ। इट वॉज नून एंड वेरी हॉट। द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू। ही हर्ड द क्राइंग ऑफ अ पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट सैंड। एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चाइल्ड। ही रश टू हिम एंड लुक अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स। ही पिक अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वाइप हिज टीयर्स एंड रीच हिम होम। तो उनके एक जीवन की घटना बताई है यहाँ पर। गोदावरी नदी पे जब वो स्नान करने गए थे तब दोपहर का टाइम था वो, और जो धूप के वजह से वो जो मिट्टी थी वो तपी हुई थी और उस मिट्टी पर एक बालक रो रहा था और उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे। तो एकनाथ जी ने उस बच्चे को उठाया और उसके आंसू पोंछे और उसे उसके पेरेंट्स के पास, उसके घर पे छोड़कर आ गए। ये घटना अभी हमें बहुत छोटी लग रही है, लेकिन उस टाइम का जो पीरियड था तब ब्राह्मण लोग जो दलित समाज है उनको छूते नहीं थे, उनको अस्पृश्य समझते थे, ठीक है, उनको छूने के बाद में वो फिर से जाके नहाते थे।
तो उस टाइम पे ये जो एकनाथ जी महाराज है वो भी ब्राह्मण कुल से थे, फिर भी उन्होंने उस बच्चे को उठाकर उसके घर पे उसे उनके पेरेंट्स को देकर वो आए थे, इसीलिए ये घटना यहाँ पर मेंशन की है। आगे हम पढ़ते हैं, इन दिस वे बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ द लव एंड इक्वलिटी ऑन द माइंड ऑफ पीपल। तो उनके इस बर्ताव से उन्होंने लोगों को ये मैसेज दिया है कि सभी जो लोग हैं वो समान हैं, इक्वल हैं, और हमें सभी से प्यार करना चाहिए, ठीक है। कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे संत तुकाराम जी महाराज, इनके बारे में क्या लिखा है वो देखेंगे। टू ग्रेट सन्स तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन शिवाजीज टाइम। देखो शिवाजी महाराज, इनका जो बर्थ ईयर है वो 1630 है, और संत तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास, इन दोनों का जो बर्थ ईयर है वो 1608 का है। तो इसीलिए शिवाजी महाराज जिस समय थे उन्हीं उन्हीं के समय के टाइम पे ये दोनों संत भी अपना कार्य कर रहे थे। तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे। तुकाराम जी महाराज जो है वो देहू गांव से है, जो गांव ने पुणे से पुणे के पास है। तो जहाँ पर शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे, वहीं पर समर्थ रामदास और तुकाराम जी महाराज उन्हीं लोगों को ज्ञान दे रहे थे, भक्ति मार्ग का मार्ग सिखा रहे थे और अपना कार्य कर रहे थे। जब लोग दुखी होते हैं, उन पर अत्याचार होता है और उन्हें कोई हेल्प नहीं करता, तब भगवान ऐसे लोगों को धरती पर भेजते हैं ताकि उनके दुख दूर हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं, ही ओन अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप। हीज फोर फादर्स यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल। देखो यहाँ पर भी संत तुकाराम महाराज ये रईस घर से हैं, उनके पास एक फार्म है, उनका एक ग्रोसरी शॉप था, और उनके जो पूर्वज थे वो लोगों को पैसे उधार में देते थे, कर्जा देते थे। तो तुकाराम जी महाराज इनका भी जो जन्म हुआ है वो रईस घर में हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे, बट तुकाराम ड्रॉन इन द रिवर इंद्रायणी ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर ही हैड डस गिविंग रिलीफ टू मैनी। देखो अभी हमने पढ़ा तुकाराम जी महाराज, इनके जो फोर फादर थे वो जो नीडी पीपल हैं उनको पैसा उधार पर देते थे, और उसके बदले में उनके जो ज़मीन के पेपर्स अपने पास रखते थे। तो तुकाराम जी महाराज ने उनके पास जो भी इन लोगों के पेपर्स हैं, जो गरीब लोगों के जो पेपर्स हैं, वो सभी पेपर्स उन्होंने इंद्रायणी रिवर में बहा दिए और उन्हें कर्जों से मुक्ति दे दी। रिलीफ यानी मुक्ति देना, ड्रॉन यानी बहा देना, डुबा देना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड विट्ठल। तुकाराम जी महाराज ये भी भगवान विट्ठल के भक्त थे, वो भी पहाड़ों पर जाकर विट्ठल भगवान की स्तुति का गीत गाया करते थे, प्रशंसा का गीत गाया करते थे। आगे पढ़ेंगे, ऑन द 11th डे एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक ही वुड गो टू पंढरपुर। और एकादशी के दिन वो आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी के दिन वो पंढरपुर में भगवान विट्ठल को मिलने के लिए जाते थे। आगे पढ़ते हैं, ही रोट डिवोशनल सॉन्ग्स अभंग एंड परफॉर्म कीर्तन्स। अभंगास, अभंगास यानी भक्ति गीत होता है, भगवान की स्तुति होती है इसमें।
तो उन्होंने अभंग लिखे हैं, अभंग यानी भक्ति गीत लिखे हैं, और कीर्तन भी उन्होंने परफॉर्म किया है। कीर्तन यानी उसमें भगवान की स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है, भगवान का नाम लिया जाता है। आगे पढ़ेंगे, 1000 फ्लॉक टू लिसन टू हिम। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेंट हिज कीर्तन। संत तुकाराम प्रीच टू द पीपल अबाउट द वर्चूज ऑफ पीटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो उनके जो कीर्तन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, हजारों में लोग आते थे। शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन सुनने के लिए गए थे। संत तुकाराम जी महाराज अपने कीर्तन के, अपने कीर्तन और अपने अभंगास के माध्यम से लोगों को सीख देते हैं नैतिकता की, मॉरेलिटी, अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो, ये सीख वो देते हैं। पीटी दया, पीटी यानी दया, फॉरगिवनेस क्षमा, क्षमा भाव रखो, दया करो, एंड पीस ऑफ माइंड अपना मन शांत रखो, ये मॉरल चीज़ें वो लोगों को सिखाते हैं। आगे पढ़ेंगे, ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, और समानता का भी मैसेज वो लोगों को देते हैं। ही अलोन इज अ संत एंड गॉड ड्वेल विथ हिम हु कॉल्स द वीक एंड द डाउन थ्रोडन एज हिज ओन। देखो, तुकाराम जी का ये मानना है कि जो लोग कमज़ोर और दलितों का, दलितों को अपना कहते हैं, उनके साथ, उन पर्सन के साथ भगवान हमेशा रहता है, ऐसा मानना तुकाराम जी का है। आगे पढ़ेंगे, ही इम्प्रेस दिस ट्रूथ ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, ही मेड देम थिंक, पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड शॉवर्ड देयर प्रेस ऑन हिम। संत तुकाराम जी की इन बातों से, इन सच्ची बातों से लोगों को प्रभावित किया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। लोगों ने उन्हें धर्मगुरु के रूप में एक्सेप्ट किया और उन पर प्रशंसा के फूल बरसा दिए। आगे पढ़ते हैं, इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लाइमिंग ज्ञानबा तुकाराम द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट संत्स। संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो। इवन टुडे तुकाराम गाथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। आज भी हमें महाराष्ट्र में प्रवचन और कीर्तन के माध्यम से हमें ज्ञानबा तुकाराम ये घोषणा सुनाई देती है। प्रोक्लेमिंग यानी घोषणा, ज्ञानबा यानी संत ज्ञानेश्वर, इनको ही ज्ञानबा कहा जाता है। और आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। तुकाराम गाथा ये एक बुक है जो तुकाराम जी ने लिखी है। आगे हम पढ़ेंगे समर्थ रामदास जी, इनके बारे में। एट द सेम टाइम द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेयर फिल्ड विद द इकोस ऑफ जय जय रघुवीर समर्थ, ग्लोरी बी टू द ग्रेट रामा, एंड इन्वोकेशन कॉन्स्टेंटली ऑन द लिप्स ऑफ द ग्रेट संत रामदास। जब तुकाराम जी महाराज अपना कार्य कर रहे थे, उसी टाइम में महाराष्ट्र के पहाड़, हिल्स एंड वैलीज, वैली यानी घाट और हिल्स यानी पहाड़, हिल्स एंड वैलीज में एक ध्वनि सुनाई देती थी, इकोस, उनकी आवाज़ की इको सुनाई देती थी। वो आवाज़ था समर्थ रामदास स्वामी का, समर्थ रामदास महाराज का। वो क्या बोलते थे, अपने मुख में वो हमेशा जय जय रघुवीर समर्थ का जप करते थे, राम का नाम लेते थे। ग्लोरी टू बी ग्रेट रामा, रामा हमें पता है जिसने रावण का वध किया, ठीक है, तो राम का नाम वो लेते थे पहाड़ों से और घाटी से। उनकी आवाज़ की इकोस हमें उस टाइम पे सुनाई देती थी,
लोगों को। इन्वोकेशन इसका अर्थ है आवाहन करना। तो राम के नाम का वो आवाहन कॉन्स्टेंटली बार बार करते थे अपने अपने मुख से, ठीक है, अपने मुख से वो बार बार राम का नाम लेते थे, इन्वोक करते थे, राम को जागृत करते थे। आगे हम पढ़ते हैं, रामदास वॉज बॉर्न एट जाम ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी इन मराठवाड़ा। समर्थ रामदास इनका जन्म जाम विलेज में हुआ, जो गोदावरी के तट पर मराठवाड़ा में स्थित है। आगे पढ़ेंगे, हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी, द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। तो रामनवमी के दिन इनका जन्म हुआ है, जब राम का भी जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्म भी रामनवमी के दिन ही हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं, नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही प्रेफर टू कॉल हिमसेल्फ रामदास। उनका असली जो नाम है वो है नारायण, लेकिन वो स्वयं को राम का दास कहकर पुकारना प्रेफर करते थे। दास यानी सर्वेंट, नौकर। तो द सर्वेंट ऑफ राम, इसका अर्थ है रामदास, राम का दास यानी राम का सर्वेंट। आगे पढ़ेंगे, थ्रू हिज ग्रेट बुक दासबोध ही टॉट मेन द वे ऑफ गुड लाइफ। उनकी जो बुक है दासबोध, इस बुक से वो हमें हमारा जीवन हम किस तरह से अच्छा जी सकते हैं इसके बारे में वो बताते हैं। आगे पढ़ेंगे, थ्रू हिज मनासे श्लोक He gave people lesson in good thoughts and good conduct। और उनकी किताब है जिसका नाम है मनासे श्लोक, इसमें श्लोक लिखे हुए हैं माइंड के, मन यानी माइंड, मनासे श्लोक यानी स्टांजास एड्रेस टू द माइंड, अपने माइंड को एड्रेस करता है ऐसी लाइंस। तो इनके इस बुक के माध्यम से वो लोगों को विचारों में सुधार, अपने विचार कैसे अच्छे हो और हमारा आचरण कैसे अच्छा हो, ये वो हमें इस बुक के माध्यम से सिखाते हैं। कंडक्ट यानी अच्छा आचरण और गुड थॉट यानी अच्छे विचार। तो इस बुक से, मनासे श्लोक इस बुक से उनके हमें हमारे विचार और हमारा आचरण कैसे हम अच्छे करेंगे उसको, ये हमें वो सीख देती है। आगे पढ़ेंगे, टू पॉपुलराइज द वर्कशिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। देखो, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता हिंदू धर्म में कहे जाते हैं। 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के देवी देवता, ठीक है। तो इनका सभी का जो कार्य है वो अलग अलग है। अगर किसी को स्ट्रेंथ चाहिए तो वो भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता की प्रार्थना करते हैं, किसी को बुद्धि चाहिए तो हम भगवान गणेश की प्रार्थना करते हैं। वैसे ही यहाँ पर रामदास, समर्थ रामदास, इन्होंने भगवान हनुमान का, हनुमान जी का टेम्पल्स रेज किया है यानी बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? तो लोगों में स्ट्रेंथ आने के लिए, लोग उस मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगा। हमने देखा कि जो दलित समाज है, जो गरीब लोग हैं, जो डाउन थ्रोडन पीपल हैं, उनके साथ अत्याचार होता था, उनको वो अत्याचार सहन करना पड़ता था, तो उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए रामदास महाराज इन्होंने, समर्थ रामदास महाराज इन्होंने हनुमान जी का टेम्पल बढ़ाया है ताकि लोगों में स्ट्रेंथ आ जाए। आगे हम पढ़ते हैं, ही एग्जॉर्टेड पीपल टू द स्ट्रॉन्ग
एंड टोल्ड देम टू द पावर दैट रिसाइड इन द यूनाइटेड पीपल। तो समर्थ रामदास लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, एग्जॉर्टेड यानी प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि सशक्त बनो, बी स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग बनो, ऐसे वो बोल रहे हैं। और उन लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए, एकत्रित रहने के लिए कहा उन्होंने, क्योंकि एकता में, एकता से उनकी पावर बढ़ेगी, ठीक है, अगर वो एकत्रित हो जाएंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी। तो ये उन्होंने लोगों को कहा है कि एक साथ मिलजुल कर रहो। आगे पढ़ते हैं, ही टोल्ड देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। उन्होंने लोगों को कहा है कि आप लोग संगठित हो जाओ और अपनी पावर बढ़ाओ और जो अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट करो। दिस गेव करेज टू द पीपल, और उनकी इन बातों से लोगों को साहस मिला है। आगे हम पढ़ेंगे, द वर्क ऑफ द सन्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। रिलीजन वंस अगेन बिकेम अ थिंग्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। पीपल रिगेन देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। अवेकनिंग यानी जागृति। तो संतों के इन कार्यों से लोगों में जागृति आई है और धर्म का फिर से एक बार आदर हुआ है और लोगों में विश्वास पैदा हुआ है। स्पिरिट, अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रियलाइंस, इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार। उनके अंदर आत्म साक्षात्कार का भाव प्रकट हुआ। जो उन्होंने अपना आत्मविश्वास खोया था वो उन्हें फिर से मिला। आगे पढ़ेंगे, दिस ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल ब्रॉट अबाउट बाय द सन्स हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट फॉर स्वराज। तो ये ग्रेट अवेकनिंग जागृति लोगों के अंदर हुई है संतों के कार्यों से, संतों के कार्यों से लोगों के भीतर ग्रेट अवेकनिंग हुई है और शिवाजी महाराज को भी अपना स्वराज के अगेंस्ट वो जो फाइट कर रहे थे उसमें भी उन्हें हेल्प मिली है, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।